हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार यादव आज के इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी काव्य का चौथा अध्याय और सिलेबस की दृष्टि से पहला अध्याय लेकर के जो है उपस्थित हुआ हूं। आपको पढ़ाए गए इस अध्याय में जो चीज समझ में नहीं आएगी उसे पुनः कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पाठ मैं पढ़ाने जा रहा हूं यह सिलेबस की दृष्टि से पहला पाठ होगा और इस पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। सबसे पहले मैं रघुवीर सहाय से क्या जीवन परिचय बताऊंगा, सीबीएसई परीक्षा की दृष्टि से जीवन परिचय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यह चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यह बताना उचित होगा। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। मृत्यु सन 1990 ईस्वी को हो गई। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में बहुत सारी रचनाएं किए, बहुत सारे संपादन कार्य किए और यह सम्मान भी प्राप्त हुआ, जिनमें सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो वह लोग भूल गए, ये चार इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले कल्पना पत्रिका का संपादन किया, बाद में प्रतीक पत्रिका और दिनमान व दैनिक व भारत टाइम्स के संपादन के लिए भी इन्होंने कार्य किया। इन्हें अपने साहित्यिक जीवन में साहित्यिक अकादमी सम्मान भी प्राप्त हुआ। ये रहा रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। इसी बहुत सारे प्रश्न जो है आपके लिए सीबीएसई परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है, आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि लखनऊ को कहा जाता है। रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचनाएं हैं, तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैं इस पाठ के नामकरण से आपको अवगत कराता हूं। इस पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कोई भी कवि किसी पाठ का नामकरण अपने अंदर उत्पन्न भावनाओं के अनुरूप करता है। उसके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, किस चीज को देख करके भावनाएं कैसे उत्पन्न हो जाएंगी, उसके अंदर कैसे भाव जागृत हो जाएंगे, उसी भाव को वह अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना शुरू करता है। और कवि ने यहां पर जो है कैमरे में बंद अपाहिज नामक एक कविता प्रस्तुत की है और इस कविता का जो शीर्षक है इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। कैमरा एक प्रकार का यंत्र है जिसमें हम किसी की तस्वीर को या किसी भी वस्तु की तस्वीर को हम कैद कर सकते हैं। तो कैमरे में बंद अर्थात कैमरे में कैद अपाहिज, अपाहिज मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंग प्रत्यंग अन्य लोगों के एक साधारण लोगों से जो है अलग हो, जिनको जो है पहले विकलांग कहा जाता था अब दिव्यांग के रूप में जाना जाता है। तो कवि जो है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने वाले संयोजकों पर करार
व्यंग किया। हम कविता की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और इसके बाद इसके विस्तृत व्याख्या करेंगे। कविता की पंक्तियां हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दूरदर्शन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले संयोजकों के ऊपर करारा व्यंग किया। कवि कह रहा है कि एक तरफ दूरदर्शन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले संयोजक अपने आप को शक्तिमान मानते हैं, समर्थ मानते हैं, और दूसरे तरफ दुर्बल व्यक्तियों की दुर्बलताओं से खिलवाड़ करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी चीज को प्रस्तुत करने से पहले अपनी प्रस्तुति करता है, उस प्रस्तुति के माध्यम से संयोजक जो है दूरदर्शन के सामने आकर के कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, वह संयोजक दूरदर्शन के सामने आकर के कहता है कि हम शक्तिमान हैं और हम एक बंद कमरे में जहां पर किसी की तस्वीर को कैद की जाएगी वहां पर एक दुर्बल असहाय कमजोर व्यक्ति को लाएंगे और वहां पर ला करके उस असहाय कमजोर व्यक्ति से कैसे भाव या कैसे व्यवहार करता है उसका वर्णन अगली पंक्तियों में कवि ने दिया। इसके पहले मैं इन चारों पंक्तियों का काव्य सौंदर्य आपको बताऊंगा। काव्य सौंदर्य अर्थात काव्य की सुंदरता कैसे होती है, काव्य में सुंदरता कैसे आती है, यह दो पक्ष पर निर्धारित होती है। पहला है कला पक्ष और भाव पक्ष। भाव क्या है, कविता का भाव क्या है, किस भाव के कारण उसमें सुंदरता आई है, और कला कविता की कला क्या है, किस कलात्मकता के द्वारा इसमें जो है सुंदरता आई है, यही कला पक्ष और भाव पक्ष। कविता का भाव पक्ष है, कवि जो है कमजोर व्यक्ति की पीड़ा व दुख को न समझ उसकी संवेदनाओं से खेलने वालों के रूप में दूरदर्शन कार्यकर्ताओं पर व्यंग किया है। कवि एक सामाजिक उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहता है, यह इस कविता का भाव पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत जो कविता की भाषा है वह सामान्य आम बोलचाल की भाषा है, साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है, पूरी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। कवि गंभीर विचारों को, गंभीर भावों को सरल एवं स्पष्ट कला के रूप में प्रस्तुत किया है। तुकबंदी के कारण इस काव्य में गेयता का गुण विद्यमान है और व्यंगात्मक शैली का सुंदर ढंग से चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद कविता की अगली पंक्तियां क्या बताती हैं, मैं कब पंक्तियों को पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। कविता की अगली पंक्तियों में कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यह चीज पोस्टर में लिखी गई है, बाद में इसे समझाएंगे। हां तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाते। अर्थात दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम के आयोजक जो है उस अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने ला करके अनेकों प्रकार से उससे प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न
घंटे कार्यक्रम के संयोजक उस अपाहिज व्यक्ति से, उस दिव्यांग व्यक्ति से, उस विकलांग व्यक्ति से पूछते हैं, तो क्या आप अपाहिज हैं? क्वेश्चन मार्क, अर्थात प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, जब यह प्रश्न पूछने योग्य नहीं है। यहां व्यंग है कवि का कि जो प्रश्न पूछने लायक नहीं, उस प्रश्न को पूछ करके भी उनके अंदर दुख और पीड़ा की भावनाओं को भरने का कार्य करते हैं। पूछते क्या आप अपाहिज हैं? जब इसका उत्तर नहीं पाते हैं, तुरंत अगला उत्तर प्रश्न, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? इसका उत्तर भी जब नहीं मिलता है, फिर तुरंत आपका अपाहिज पर तो दुख देता होगा। आप अपाहिज हैं तो जो आपकी विकलांगता है, जो आपका अपाहिजपन है, यह आपको कहीं ना कहीं पीड़ा दुख दर्द तो देता होगा, देता है। जोर देकर के प्रश्न पूछते हैं कि अपाहिजपन या विकलांगता आपको दुख देती है या नहीं देती है। फिर इसके बाद कैमरे में जो चीज दी गई है, कैमरे मैन के तरफ पर इशारा करते हैं कि जो भी चीजें पूछी जा रही है इसको आप कैमरे में कैद कीजिए, और कैमरा मैन कैमरे में कैद करता है। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, तो हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, आपके इस अपाहिजपन का जो दुख है वह क्या दुख है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए। जल्दी से वह दुख बताने के लिए उनको जो है प्रेरित करता है, लेकिन वह अपाहिज व्यक्ति जल्दी जल्दी प्रश्न पूछने के कारण और ऐसे उलटफेर के प्रश्नों के पूछने के कारण वह कुंठाओं से भर जाता है, दुख और पीड़ाओं से भर जाता है, और वो उत्तर नहीं दे पाता है। यही यह कविता की अगली पंक्तियां समाप्त होती हैं। इन पंक्तियों का कला पक्ष और भाव पक्ष हम बताएंगे। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका भाव पक्ष क्या है, तो भाव पक्ष के अंतर्गत इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने असहाय व्यक्ति की पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित करते हुए संवेदनहीन संयोजन पर व्यंग किया। और कला पक्ष के अंतर्गत भाषा सरल सरस प्रवाहमय एवं स्पष्ट है। इन पंक्तियों में विचारों की गंभीरता भाव को उद्घाटित किया गया है, व्यंगात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है, पूरी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है, प्रश्नोत्तर शैली के साथ साथ नाटकीय शैली द्वारा काव्य में रोचकता उत्पन्न की गई है, और चित्रात्मक शैली का प्रयोग जो है कोष्टक में किया गया है। ये रहे इस कविता के लिए काव्य सौंदर्य, और इस कविता की अगली पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनेंगे। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, इस खुद के इशारे से बताएं कि क्या ऐसा पुस्तक में। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पढ़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाता। कविता की अगली पंक्तियों में रघुवीर सहाय जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि वह कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता किस तरह से बेढंगे प्रश्न जो है उस अपाहिज व्यक्ति से करता है। कहता है कि सोचिए सोचिए, मतलब आपका जो अपाहिजपन है उसके बारे में आप सोचिए और सोचकर बताइए। पिछली पंक्तियों में यही बताया है कि वह अपाहिज व्यक्ति उनके प्रश्नों के उत्तर को जब नहीं दे पाता है तो पुनः फिर दूसरे ढंग से उससे प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि आप सोचिए और सोच करके बताइए
कैसा प्रतीत होता है, कैसा महसूस होता है, कैसा यानी कैसा लगता है, इस तरह से प्रेस देकर के उससे कई बार प्रश्न पूछते हैं। अगर वह नहीं बता पाता है तो स्वयं अपने इशारों से कहते हैं कि क्या है आपको ऐसा लगता है, जिससे वह हां ना में उत्तर दे सके। और फिर कहते हैं कि सोचिए और बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, आप उस अपने अपाहिजपन के दुख दर्द को बताने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। और क्या जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और जिस प्रश्न का उत्तर दूरदर्शन माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, क्या ऐसे मौके को आप खो देंगे, नहीं बताएंगे? आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम क्या है, उसको प्रश्न पूछ पूछ करके रुला लेंगे। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वह व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपने दर्द को स्वयं आत्मग्लानि के माध्यम से अपने हृदय में उस पीड़ा का एहसास करके स्वयं रोने पर मजबूत हो जाए, जिससे उसकी आंखें सूज जाए, ताकि यह मालूम हो कि यह व्यक्ति जो है इस मतलब अपने दिव्यांगपन के कारण, अपने अपाहिजपन के कारण अत्यधिक दुख, तो उसके दुख को प्रकट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। और अंत में व्यक्ति वह अपने दुख का एहसास करके क्या करता है, रोने लगता है, अर्थात वह संयोजक उससे प्रश्न पूछ करके उसको रोने पर मजबूर कर देते हैं। फिर इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, कहने का मतलब कि दर्शक भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, अर्थात उसके ऐसे प्रश्नों के उत्तर में किस तरह की उसकी भावनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत होती है उसका इंतजार होता है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, क्या ये भी उनसे ऐसी भावनाओं के या ऐसे भाव का इंतजार करते हैं, नहीं, यह पूछने योग्य नहीं है। लेकिन शायद लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं कि प्रश्न पूछने वाले उस दिव्यांग व्यक्ति से कि वह मतलब अपने भाव, अपने उस दिव्यांगता के ऊपर वह क्या लोगों के सामने दर्शा सकता है। यह पंक्तियां ही समाप्त होती हैं और इन पंक्तियों का काफी सौंदर्य हम कला पक्ष और भाव पक्ष की दृष्टि से आपको बताएंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत कवि जो है उन सभी व्यक्तियों पर व्यक्त करता है जो किसी असहाय की पीड़ा को छिपाकर या पीड़ा को देखकर आनंद उठाते हैं या उससे अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। यह कविता का भाव है। कला पक्ष के अंतर्गत कवि ने जिन भाषा का प्रयोग किया है वह भाषा अत्यंत ही सरल, सरस एवं प्रवाहमय है। साधारण शब्दों के में विचार की गहनता का सुंदर दृश्य कवि ने प्रकट किया है। प्रश्नोत्तरी शैली का नाटकीय ढंग से प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है और साथ ही साथ चित्रणात्मक शैली का प्रयोग सुंदर प्रकाश से हुआ है। इसके बाद इस पाठ की कुछ पंक्तियां और हैं जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप आज बस यहीं तक, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पढ़ाए गए इस पाठ को ध्यान से सुन करके समझने का प्रयास कीजिएगा और जो चीज नहीं समझ में आएगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर पुनः पूछ लीजिएगा और फिर इस पाठ में बचे हुई पंक्तियां अगले दिन पढ़ाएंगे और साथ ही साथ अगले वीडियो में आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस पाठ के समाप्त होने पर आपको सीबीएसई परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इस पाठ की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको दिया जाएगा और आप स्वयं जो है कॉपी पे लिखेंगे और फिर विद्यालय खुलने के बाद ला करके दिखाएंगे। बस, थैंक यू।